हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आज के इस द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है और आज हम देखेंगे द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर के सामने आया है वह है DRDO का ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी फॉर 322.5 करोड़। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसे ऑक्सीकेयर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि DRDO ने बनाया था ताकि सोल्जर्स को जो कि एटीट्यूड एरियाज में जो कि पोस्टेड है उनके लिए ये बनाया गया था। अब हम थोड़ा सा जानेंगे DRDO क्या है। आप सभी को पता भी होगा कि DRDO जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, एक एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है और मिनिस्ट्री जो है वो डिफेंस है। और इनको जो चार्ज मिला हुआ है कि मिलिट्री के रिसर्च में और उनके डेवलपमेंट में काम करने का, इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है और इनका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1958 में हुआ था, जो कि मर्ज किया गया था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट को प्रोडक्शन ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को विथ द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। नो सारे चीज़ों को मिला करके DRDO को बनाया गया था। ये उसका जो है नमूनों है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यह काम करती है। अब हम आते हैं अपने न्यूज़ आर्टिकल पर कि न्यूज़ आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो जो PM केयर्स फंड एक बनाया गया था, जिसे आप प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड के नाम से जानते हैं, उनको 1.5 लाख यूनिट जो ऑक्सीकेयर सिस्टम है उसको प्रोक्योर करने का जो सेंक्शन है वो दे दिया है। 322.5 करोड़ का होगा और DRDO इसे बनाएगी। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीकेयर सिस्टम क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऑक्सीकेयर सिस्टम जो है वह डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, जिसे DBEL के नाम से जाना जाता है, जो कि बेंगलुरु में बेस्ड है, वह DRDO की है और सोल्जर्स को जो कि एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड पर एरियाज पर काम करते हैं उनके लिए यह क्या करती है, ऑक्सीकेयर सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। अब इस सेंक्शन में क्या होगा, तो इस सेंक्शन में आपको 1 लाख मैनुअल और 50,000 ऑटोमेटिक सिस्टम्स जो है वो प्रोक्योर किए जाएंगे। जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं वह नॉन रीब्रीदर मास्क NRBM इनके साथ में, मतलब इनके साथ में NRBM टेक्निक के साथ में वहाँ मैन्युफैक्चर होंगे। अब ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वह ऑडियो वार्निंग भी देता है फॉर वेरियस फेलियर सिनारियो। ठीक है, अगर कोई फेलियर सिनारियो होता है तो वहाँ एक ऑडियो वार्निंग मिलती है, तो ये एक एडिशनल फीचर है इसका। अगर आपको ऑक्सीकेयर सिस्टम के बारे में लिखना है तो आप इन सब पॉइंट्स को वहाँ कोट जरूर करिएगा। अब हम आते हैं कि और क्या क्या किया है, किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो समुद्र सेतु 2 जो कि लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के तहत, और INS तारकेश ये अराइव हुआ कहाँ, मुंबई में, 2 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO को लेकर के। फिर अब भाई ये सब जो INS तारकेश है, ठीक है, INS कोच्चि है और INS तेबार है, ये सब बाहर से, सपोज कुवैत से ये लेकर के आए इन दोनों ने, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, हमने लिखा है। तो ये सब का जो नाम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन समुद्र से तो इम्पॉर्टेंट था ही, लगातार हम सुन रहे हैं 1.5 से 2 साल के बीच हमें हो गया है इसे। और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन अभी एक नया टर्म है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये साइंस टेक में आपको पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि जो भी फॉरेन एड्स हमें मिल रहे हैं उनसे आपको अवेयर होना है और वहां से आपको जरूर क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो यहाँ पॉइंट है, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, वह है ऑक्सीजन सॉलिडैरिटी ब्रिज। ये क्या है, तो ये फ्रेंच मिशन के तहत इसे भेजा गया है और इसी के तहत अभी जो तारकेश
हमारा INS तारकेश है वह लेकर के आया, वह इसी फ्रेंच मिशन का ही पार्ट बना। ओके, सो इतना चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें जो इस आर्टिकल में दी हुई थी और मैंने आपको बताई। अगर आपको और एडिशनल पढ़ना है तो आप समुद्र सेतु 2 जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जुड़ा है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से। गवर्नमेंट ने PLI प्लान अप्रूव किया है फॉर ACC बैटरीज। हम PLI प्लान देखेंगे। PLI प्लान क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यदि कोई इंडस्ट्री डोमेस्टिक मतलब भारत में कोई प्रोडक्शन करती है तो उनके प्रोडक्शन पर क्या मिलता है, उनको इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पर PLI जो मिलेगा वह किसके लिए मिलेगा? अब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए जो कि एक बैटरी है, और उसके लिए 18,100 करोड़ रुपए का जो एस्टिमेट किया गया है। अब जो एडवांस्ड ACC बैटरी जिसको आप बोलते हैं वह क्या है? तो नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, ये जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का था ये है आपका एक सेल बनाया गया था, ठीक है, अंडर द नीति आयोग। और उस सेल का जो काम है वह हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो PLI जो है अप्रूव किया गया है, तो यहाँ से आपको ACC बैटरीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं और इस सेल के बारे में भी हम देखेंगे। इस स्कीम में ये कहा गया है कि जो कैबिनेट थी जो कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है उसमें ये जो मैंने आपको नेशनल प्रोग्राम बताया उसको अप्रूव किया गया है। सेकेंड पॉइंट ये लिखा है कि हर बैटरी का जो होगा स्टोरेज का जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देना होगा मिनिमम ऑफ 5 GW कैपेसिटी, 5 GWh कैपेसिटी का देना पड़ेगा, ठीक है, और मिनिमम 60% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगा प्रोजेक्ट लेवल पर 5 सालों के लिए, ये कंडीशंस रखा गया है। उसके बाद जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगा उस पर एटलीस्ट 25% जो है वह मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट बोला गया है ₹225 करोड़ का पर गीगावाट आवर 2 साल के लिए मदर लेवल यूनिट्स के लिए। और इसी तरह से 5 ईयर्स के लिए बोला गया है 60% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। अब डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का जो वर्ड है यहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर यदि फॉरेन मैन्युफैक्चरर हो या इंडियन मैन्युफैक्चरर हो वह इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, क्लियर है। तो ये सारा टर्म्स आप जरूर यूज करिएगा, ये इस आर्टिकल से रिलेवेंट नहीं है बट आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। फिर स्कीम में जो है वह प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 GWh ऑफ ACC को हेल्प करेगी या अचीव करने का टारगेट एक रखा गया है, और 5 GWh ऑफ नीश ACC विद एन आउटले ऑफ 18,100 crores, ठीक है। अब ACC क्या है वो देख लेते हैं। ACC आर द न्यू जनरेशन ऑफ एडवांस्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ईदर एज इलेक्ट्रोकेमिकल और एज अ केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट बैक इट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में या केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोरेज के लिए यह दिया एक सेल बनाया गया है और एडवांस्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी यहाँ यूज होती है। अब बेनिफिट क्या है स्कीम का, इस स्कीम का जो बेनिफिट है वह हम देखते हैं। तो बेनिफिट में है कि 50 GWh का जो सेटअप होगा वह इंडिया में पूरे होगा, ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत। फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा 45,000 करोड़ का इन ACC बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में। देन ये जो स्कीम है ये डिमांड क्रिएशन करेगी फॉर बैटरी स्टोरेज इन इंडिया, ठीक है, और मेक इन इंडिया को ये क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी सो कि डोमेस्टिक वैल्यू कैप्चर और रिडक्शन इन इम्पोर्ट डिपेंडेंस होगा, मतलब हम जो इम्पोर्ट करते थे उस पर, जो आयात करते थे उस पर निर्भरता कम होगी। तो ऐसे ही आपको अपने आंसर्स को कोट करना है। देखिए ये अगर आपको आ जाता है कि अबाउट द ACC स्कीम आपको लिखने, तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। देन
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसीसी जो है वो फैसिलिटेट करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को की डिमांड को, ठीक है, और जो कि लेस पॉल्यूटिंग है। नीति आयोग ने भी सजेस्ट किया है कि 2023 तक बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंटेशन को जोर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया को, ठीक है। इंडिया का ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको भी रिड्यूस करेगा, ठीक। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ अराउंड 20,000 करोड़ एवरी ईयर, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा सकता है ये हर साल कितने 20,000 करोड़ का। और नई और नीश टेक्नोलॉजी को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने वाली और इसका अप्रूवल मिल चुका है। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी जो आज आया हुआ है वह हमारा बेस्ड है साइंस पर ही, खास करके मेडिकल साइंस के आप बोल सकते हैं मेडिसिन पर। और एक जो मेडिसिन है जिसका नाम है आइवरमेक्टिन, ठीक है। आइवरमेक्टिन जो है वह यूज किया जा रहा है अभी किसके लिए, तो हमारे COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए, बट WHO ने एडवाइस किया है कि उसको यूज ना किया जाए, ठीक है। अब क्या है ये इशू देखते हैं। तो ये जो आइवरमेक्टिन जो हमारी मेडिसिन है वह ओरली एडमिनिस्टर्ड है, ड्रग है जो कि यूज करते हैं इंडिया में किसके लिए, तो फॉर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ पीपल विद माइल्ड इन्फेक्शन, बहुत ही कम जिनको इन्फेक्शन है उनको दी जाती है ये। और जो WHO की चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इट शुड नॉट बी यूज्ड, एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन भारतीय जो फिजिशियंस हैं उनका कहना है कि यह जो ड्रग है वह एंटी पैरासिटिक एजेंट की तरह काम करने के लिए यह अप्रूव्ड एक ड्रग है, और इनका जो यूज है, ठीक है, इनके यूज से, आइवरमेक्टिन के यूज से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ मिल रहे हैं, तो डॉक्टर्स इनको प्रिफरेबली यूज कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि आइवरमेक्टिन जो कि यूज कहाँ होता है, तो दो तरह के बीमारियों में ये यूज होता है। सबसे पहला ऑनकोरसियासिस और दूसरा जो है वह फाइलेरियासिस, ठीक है। ऑनकोरसियासिस क्या है, ये ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, नेत्र रोग के संबंधित है। और दूसरा है फाइलेरिया, तो फाइलेरिया के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्बल बना देता है शरीर को। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट में यह मेडिसिन यूज किया जाता है, और ये अभी अभी इस पर रिसर्च कर देखा गया है या इसके यूज करके देखा गया है कि जो हमारा RNA मल्टीप्लिकेशन है, COVID-19 वायरस का RNA मल्टीप्लिकेशन है, जैसे SARS हो गया, COVID RNA, इस पर यह इफेक्टिव है, उसके रिडक्शन, उसके मल्टीप्लिकेशन को रिड्यूस करता है। तो यदि वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता रहा बॉडी पर तो क्या होगा, वह बहुत ज़्यादा फैटल हो जाएगा। तो इस पर अभी कुछ कहना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा, और इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो दो मेडिकल ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, वो पूछता है कभी कभी UPSC आपको ड्रग्स का, खास करके नाम जो कि चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट था तो मैंने इसको इंक्लूड किया। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल, और ये हमारा है आज का एडिटोरियल आर्टिकल। देखिए, हंगर का लास्ट कल की यदि आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पॉवर्टी है वह राइज हो रहा है ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, बट इंडिया में इसकी सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक है। और जो एक अर्बन रूरल डिवाइड एक क्रिएट हो चुका है इसके कारण, और हंगर की प्रॉब्लम, भूख की जो स्थिति है वह बहुत ज़्यादा घातक है। तो इसी पर यह आर्टिकल बेस्ड है, बहुत अच्छे पॉइंट्स जो ऑथर्स ने यहाँ उठाए हैं उनको मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा, इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो मॉडेस्ट जो नए मिनिमम वेज का जो नेशनल थ्रेशोल्ड सेट किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी, अनूप सतपति कमेटी, और इन्होंने ₹375 per day इसको मिनिमम वेज, नेशनल मिनिमम वेज सजेस्ट किया है इस कमेटी ने। इसको और भी इन कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं, जैसे CPI को हर साल हर 6 महीने पर क्या करना चाहिए, एडजस्ट करके मिनिमम वेज को सेट करना चाहिए। इन्होंने और एक कहा कि रीजन बेस्ड होना चाहिए,
ठीक है, अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग मिनिमम वेज होना चाहिए। तो इसके आधार पर 23 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो कि इस मिनिमम अर्निंग से पीछे चले जाएंगे, ठीक है, अभी जो सिचुएशन बनी हुई है। फिर पॉवर्टी रेट्स जो है वह रूरल एरियाज में इंक्रीज हुई है 15% पर, लेकिन अर्बन एरियाज में इसका और खतरनाक स्टेटस है, 20 PP/% पर ये इंक्रीज हुआ है। एडिशनल एंटाइटलमेंट जो कि दिया जाता है 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन हर इंडिविजुअल को और 1 किलोग्राम ऑफ पर जो दालें हैं एक परिवार को फ्री में दिया जाता है, जो कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपने पढ़ा ही होगा, इसके तहत जो अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड होल्डर्स है उनको दिया जाता है। लेकिन 47% इंक्रीज दिखाई गई है परसेंट डेज ऑफ वर्क में अंडर द मनरेगा स्कीम इन 2021 कंपेयर टू 2019, और रिकॉर्ड 72 लाख हाउसहोल्ड्स को 100 दिन का जो रोजगार इसके तहत दिया जाता है वह सुझाया गया है या बताया गया है रिकॉर्ड्स में। लेकिन ऑथर का यहाँ कहना है कि ये जो दो स्कीम्स आपकी चालू हैं, यह जो स्कीम्स हैं यह पुराने आपके जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उन तक ही सीमित हो जाती है, और ऑथर ने कहा है कि इसको एक्सपांड करने की जरूरत है। स्टडी को भी सजेस्ट किया है जिसमें रेस्पोंडेंट्स ने ये कहा, ये पाया कि 36% जो थे अर्बन एरियाज में और 13% जो थे रूरल एरियाज में, उनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है जिससे वह इन सारे जो स्कीम्स हैं उनका कुछ फायदा उठा सके। तो यहाँ पर भी एक इशू रेज होता है कि क्या राशन कार्ड सभी को मिलना जरूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है कि किस सेक्टर को राशन कार्ड प्रोवाइड कराया जाए। अब हम आते हैं कि अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स हर महीने सब्सिडाइज प्राइसेस पर सप्लाई करने को कहा गया है, या इस एक्ट में ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया गया है, बट क्या यह स्टैंडर्ड फुलफिल हो पा रहा है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्वेश्चन है हम सभी के समक्ष। अब ऑथर ने इस प्रॉब्लम के लिए सजेशंस क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जब भी आप अपने आंसर राइटिंग को करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह एक्सपांड करना चाहिए इस कवरेज को और क्वांटिटी को अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कम से कम 1 साल के लिए, और मनरेगा के जो एंटाइटलमेंट्स हैं उनको 200 दिन प्रति परिवार कर देना चाहिए। फिर एक वेज कंपनसेशन देना चाहिए 7,000 पर पुअर हाउसहोल्ड्स का फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये सारे सजेशन जो है ये ऑथर ने सजेस्ट किए हैं, तो जब भी आप आंसर राइटिंग करें इस टाइप का लास्ट में सजेशंस जरूर वहां देना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था अबाउट द हंगर, और इस पर और भी आप पढ़ सकते हैं, मैं PDF जो है वह अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप इसको रीड कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये एक आर्टिकल आया है इन द इकोनॉमी सेक्शन, ठीक है, इकोनॉमी पार्ट में, और इकोनॉमी में ये जो सेक्शन है यह बात करता है इन्फ्लेशन की, जो कि 4.29% पर अभी बना हुआ है, और बेस लिफ्ट जो कि IIP पर होता है। IIP क्या है हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन को डील करूँगा। कुछ हमारे नए एस्पिरेंट्स होंगे जिनको ये सारे टर्म्स के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो इन्फ्लेशन जो होता है वह प्राइस राइज को बताता है इंडिया में, और महंगाई दर इस पर कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो RBI के जो नॉर्म्स है, तो RBI करता है कि 2-6% इन्फ्लेशन रेट्स को ये इस रेंज पर रखता है, ठीक है, 2% से कम भी नहीं करता और 6% से ज़्यादा भी नहीं होने देता, यह सेफ लिमिट है। देखिए इन्फ्लेशन का कम होना भी बहुत खतरनाक है और ज़्यादा तो होना खतरनाक है ही, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट्स को RBI इस बैंड पर क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और इसको बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करता है, अपने मॉनिटरी पॉलिसी जो वो बनाता है। तो इन्फ्लेशन बेस्ड, देखिए ये जो आर्टिकल है पर्टिकुलर, मैं अगर इस आर्टिकल को बोलूँ तो
ये जो बेसिस कैलकुलेशन है ये हर 3 मंथ में 4 मंथ में रिलीज होता है, तो बॉल बाय बॉल कमेंट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना परसेंट घटा कितना बढ़ा, बट आपको टर्म्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन को और आईआईपी जो यहाँ लिखा हुआ है। अब हम बढ़ेंगे आईआईपी क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है। तो आईआईपी क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक ऐसा इंडेक्स है इंडिया में जो कि बहुत सारे सेक्टर्स के ग्रोथ को डील करता है, जैसे कि मिनरल माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसके जैसे और, ठीक है। अब इंडिया में आईआईपी जो है वो एक कंपोजिट इंडिकेटर है कि जो शॉर्ट टर्म चेंजेस हो रहे हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है, किसी एक बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे। बास्केट का मतलब एक ऐसे ग्रुप्स को है जो कि इस पर को कंसिडर किया जाता है, फिर किसी एक गिवन टाइम इंटरवल पर, ठीक है, और बेस पीरियड हम यहाँ लेते हैं, आगे बात करेंगे बेस पीरियड किसको लिया गया है। फिर इसे कंपाइल किया जाता है और पब्लिश किया जाता है किनके द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, MOSPI जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, MOSPI ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिर इम्प्लीमेंट जो किया जाता है, तो मान लीजिए आपका जो रेफरेंस मंथ एंड होता है उसके 6 वीक्स आफ्टर ये क्या किया जाता है, हर 6 हफ्ते के बाद इसे एस्टिमेट किया जाता है और कंपाइल भी किया जाता है। अब आईआईपी क्या है, आईआईपी एक नंबर है जिससे स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ये दिखाया जा सकता है, ठीक है। अब बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर को फिक्स किया गया था 1993-94 में और इसको इंडेक्स लेवल 100 माना गया था। करंट का जो बेस ईयर है यदि आपको क्वेश्चन आए तो वो है 2011-2012। 8 core industries होते हैं जिनका 40.27% नियरली इसको प्रोडक्शन को इन टर्म्स ऑफ आइटम्स इंक्लूड किया गया है, मतलब 40% जो है वह प्रोडक्शन देते हैं ये 8 core industries इंडिया में जो कि आईआईपी पर हम इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये 8 core sector industries हैं, इनको आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ से और इनका जो प्रोडक्शन है वह आईआईपी पर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो आईआईपी की शायद आपको जानकारी हो गई होगी, आई थिंक कभी भी आईआईपी आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आज एक जो आर्टिकल और आया हुआ था वह था आपके आशियान से रिलेटेड, ठीक है, एडिटोरियल आया हुआ था, तो आशियान जो ग्रुप है इस पर आप जरूर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत इस पर फोकस आपको जरूर करना चाहिए। मैंने उसको बहुत ज़्यादा, वह इंडिया से रिलेटेड नहीं था इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है, यदि आपको लगता है तो आप पढ़ लीजिएगा जरूर, आशियान को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर सीरीज में इतना ही, द हिंदू के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलते हैं मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, तो हम मिलेंगे कल के अपने इस वीडियो एनालिसिस पर। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।